हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिंडली की सब्जी। उसको आप लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है, कुछ इस तरीके से 4 पीसेस में लंबे लंबे टुकड़े कर लेने हैं उसके। ये करीब 1/2 kg टिंडली है जिसे लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अभी इसमें सिंग दाना और तेल ले लेने। सिंग दाना मूंगफली, जिसको मूंगफली भी बोलते हैं, और हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ 4 से 5, और धनिया। सबसे पहले कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हींग डाल देना है। अभी इसमें जीरा 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून राई, हरी मिर्ची 4 बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें सब्जी के टुकड़ों को डाल देना है। उसे अच्छे से चला लेना है, स्पून से मिक्स कर लेना है। इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देना है। अब इसे ढककर कुक होने देना है मीडियम आंच पर। अभी एक जार में मूंगफली के दाने, तेल 4 चम्मच के करीब है ये। अब इसे पाउडर बना लेना है पीसकर। पेस्ट नहीं बनाना है, इसका पाउडर फॉर्म बनाना है। रुक रुक के मिक्सी को थोड़ा रोक रुक के चलाना है तो इस तरीके का पाउडर बन जाएगा। इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे। बीच बीच में सब्जी को चलाते रहना है, चेक करते रहना है। सब्जी को पकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में के। अभी ये कुक हो गया है। अब इसमें मतलब हाफ कुक हो गया है तो अभी इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून पावाजी मसाला, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा धनिया पाउडर भी डाल देना है 1/2 टीस्पून के करीब। अब इसमें जो तिल और सिंग का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देना है। अच्छे से अभी मिक्स कर लेना है। अभी इसे ढककर 2 से 3 मिनट और कुक होने देना है। बस अभी ये सब्जी फ्रेंड्स रेडी हो गई है। अभी गैस बंद कर देना है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेना है। फ्रेंड्स ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, आप ज़रूर बनाइए घर पर। अब इसे
सिंग और तिल के पाउडर से गार्निश कर लेंगे। इसे आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ भी आप खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।